वैसे मैं बॉम्बे से ही बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉटन मैं बॉम्बे से ही हूँ, बचपन से मैं यहीं पे हूँ। वैसे मैं पैदा पुणे में हुई हूँ लेकिन बचपन से मैं यहीं पे हूँ। और शुरुआत तो मेरी लाइक ऐसे ही हुई थी एज ए एक्टर। और अभी जस्ट मुझे 3 साल हुए हैं इंडस्ट्री में आके, और मैं कर रही हूँ काम जैसे अच्छे प्रोजेक्ट। मतलब मुझे कोई भी ऐसे जैसे इंडस्ट्री में लोग पॉपुलर होने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं एक्सपोज वगैरह, बट मुझे ऐसा काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी तरीके से काम करना चाहती हूँ जो बहुत डिसेंट हो, लाइक जैसे साड़ी है, मतलब साड़ी में जैसे आर्टिस्ट काम करती है टेलीविजन में, लाइक वैसे मैं काम करना पसंद करती हूँ। तो कुछ बस शुरुआत कैसे हुई आपकी, कौन सा प्रोजेक्ट था पहला जो आपने किया, और विनाश का जो आपका सॉन्ग सीक्वेंस है कौन सा सॉन्ग सीक्वेंस है? शुरुआत तो मेरी साउथ इंडियन मूवी से हुई है। साउथ इंडियन मूवी में मैंने 4 मूवी की है, और अभी भी मेरे पास में प्रोजेक्ट है जो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली लॉकडाउन के वजह से सब बंद हुआ था, तो इस वजह से नहीं कर पाई। तो अभी मेरे पास में भोजपुरी भी प्रोजेक्ट है, और मैं सब कुछ करती हूँ, जैसे साउथ इंडियन है, भोजपुरी है, हिंदी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भोजपुरी कर रही हूँ तो मैं भोजपुरी आर्टिस्ट हूँ, साउथ इंडियन कर रही हूँ तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं सब करती हूँ, हिंदी भोजपुरी सब करती हूँ। और कभी जब आता है इस फील्ड में तो काफ़ी प्रिपरेशन करता है, जो एक्टिंग स्कूल्स जाते हैं, डांसिंग स्कूल जाते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया? हाँ, मैंने क्लासेस किए थे स्टार्टिंग में, बहुत पहले की बात है। जब शुरू में आप आते हो तो आपको ज़रूरत होती है क्लास करने की, अगर आप क्लास नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक्टिंग करना एक्टिंग नहीं होता, उसको नेचुरली कैरेक्टर को निभाना होता है। और जैसे मैंने क्लासेस भी किए थे, और उसके बाद में मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया। जैसे थिएटर मैंने 3 साल किया, मैंने दिल्ली में भी थिएटर किया, और मुझे वैसे थिएटर तो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज क्या पूरा ग्रुप होता है थिएटर, मतलब जैसे फ्रेंड्स तुम्हारे बनते हैं, और टाइम भी अच्छा एक्सपेंड होता है, और जब आप प्ले करते हो तो वो मज़ा ही आता है प्ले करने का। तो ये भी जानना चाहूँगा कि मुंबई का जो आप माहौल देख रहे हैं फिलहाल के लिए, काफ़ी कुछ हुआ है पिछले कुछ सालों में, मी टू का काफ़ी ज़्यादा चला, कि तो आप बताइए कि आपको कैसा अनुभव रहा है? तो बुरा अनुभव है तो वो भी शेयर कीजिए, आप नाम मत लेके सीखा, लेकिन आप बता सकते हैं इस बारे में कि आपको कैसा अनुभव रहा, कुछ मिले तो किस तरह से रिस्पॉन्स करते थे वो आपको? माई गॉड, कहाँ से बात है। नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, मुझे सारे लोग अच्छे ही मिले, क्योंकि मैं काम करती हूँ तो वो मेरे अपने ही लोग होते। जैसे मैं क्लास करती हूँ तो मेरे कोरियोग्राफर है, जैसे राकेश की मूवी मैंने की विनाश काल, उसमें मेरा लीड कैरेक्टर है, जैसे जो स्टोरी का बेस है वो मैं हूँ उसमें। तो आप मूवी देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी मूवी है, गाने भी उसके बड़े अच्छे हैं। तो रिलेशन ऐसे ही बनते हैं, एज अ फ्रेंड रिलेशन बनते हैं। तो अब वो मीटू के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और मुझे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी। जी, एक्चुअली वो करते होंगे, वो एक्चुअली होता होगा कि उनका आपस में कोई प्रॉब्लम होता होगा, या फिर मे भी होता ना समटाइम कि तुम्हारा किसी के साथ जमता नहीं, जैसे कि कोई डायरेक्टर होते हैं, बिना बात के झगड़ा होना, बिना बात की कोई चीज़ें होना, तो मे भी हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल चीज़ों को लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं किसी और चीज़ का बहाना लेके। तो मुझे नहीं लगता, वैसे भी इंडस्ट्री में तुम आते हो तो यू नो कि इंडस्ट्री कैसी है, और तुम्हें इंडस्ट्री